नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आखिरकार बीजेपी को जिस बात का डर था वही हुआ। राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा पर गए भी और वहां उन्होंने बीजेपी और मोदी की पोल भी खोली। और अब राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान से भारत में बैठे बीजेपी बौखला गई है। जी हां, राहुल के बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है और बीजेपी अब राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर हैं, जहां भारतीय समुदाय के छात्रों से उन्होंने बात की, वहां के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और मोदी पर खूब सवाल उठाए। इसी के साथ राहुल ने चीन का भी मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा, पश्चिम में रोजगार की समस्या है, भारत में रोजगार की समस्या है, लेकिन दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है। चीन में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं है, वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। अब राहुल के इस बयान पर यहाँ भारत में बवाल मच गया है, बीजेपी में हड़कंप मच गया है। बीजेपी राहुल के बयान पर पलटवार कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वो भारत की तारीफ करने की बजाय वो विदेश जाकर भारत को गाली दे रहे हैं और चीन की तारीफ कर रहे हैं, दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो चीन के पैसों पर पल रहे हैं और विदेश जाकर चीन की ब्रांडिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, जो भारत से बाहर जाकर भारत की आलोचना करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल पर निशाना साधा और कहा, सवाल ये है कि क्या ये चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके समझौता ज्ञापन के कारण है कि वो हमेशा चीन के लिए बल्लेबाजी करते हैं और भारत के लिए नहीं। राहुल यही नहीं रुकते, वो भारतीय कानून प्रणाली पर हमला करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जमानत पर बाहर। वो भारत में सामाजिक तनाव की भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि ये उनकी फूट डालो और राज करो की रणनीति है। इसके अलावा प्रदीप भंडारी ने एक वीडियो भी जारी किया है, वो बयान सुनिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हो चुकी है, ये विदेश जाकर सिर्फ और सिर्फ भारत का अपमान करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चीन की बड़ाई करते और भारत के बारे में झूठ बोलते हैं। आज भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहा है और चीन के अंदर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17% पहुंच चुका है, परंतु इनकी मंशा, इनके सीक्रेट एमओयू की वजह से सिर्फ और सिर्फ चीन प्रेम करना है। ये भारत में सोशल टेंशन को प्रिडिक्ट करते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता और इनका प्लान डिवाइड एंड रूल का है। ये भारत के लीगल सिस्टम पे सवाल उठाते हैं क्योंकि ये बेल पे बाहर है। ये हिंदू देवी का, देवता का मजाक उड़ाते हैं और उसको अपमानित करते हैं क्योंकि इनको सनातन के प्रति कोई प्रेम नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान की जनता ने 2014, 2019 और 2024 में इनको रिजेक्ट किया था और ये भारत विरोधी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आने वाले समय में भी हिंदुस्तान की देश प्रेमी जनता रिजेक्ट करती रहेगी। तो सुना आपने, इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी की पोल खोली, पीएम मोदी पर बयान दिया और उससे बीजेपी बौखला गई। फिलहाल आपको बता दें, राहुल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा था और उनकी फजीहत करते हुए कहा था, बीजेपी का डर खत्म हो गया, हमने देखा कि चुनाव के नतीजों के कुछ ही मिनटों के बाद से ही देश में कोई भी बीजेपी या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डर रहा था। भारत में हम और जनता अब किसी से नहीं डरते और ये बात बीजेपी को समझ नहीं आ रही और हम उन्हें समझाएंगे। अंत में आपको राहुल गांधी के इस बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी चिढ़ गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अटैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग टू यू, यूनियन ऑफ स्टेट्स, रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस, रिस्पेक्ट टू रिलीजन्स, रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशंस, respect to castes, this is all in the constitution. Every single word that I have said to you is in the constitution. The foundation of modern India is the constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening, when I used to raise the constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories, and most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described
अभय मुद्रा दिस द फैक्ट दैट दिस इज अ सिंबल ऑफ फियरलेसनेस एंड इट इज प्रेजेंट इन एवरी सिंगल इंडियन रिलीजन. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand.